आइए अब आपको दिखाते हैं शी जिनपिंग के छल पर भारत ने किस तरह प्रहार किया है। चीन के इरादे नेक नहीं हो सकते, ये बात पूरी दुनिया को पता है। चीन कदम कदम पर साजिशें रचता है, ये बात भी दुनिया से छिपी नहीं है। लेकिन अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो कुछ कहा उसे सुनकर दुनिया जरूर थोड़ा हैरत में है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया को एक महायुद्ध की आहट महसूस होने लगी है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति ने अपनी लाल सेना को यह आदेश दिया कि हर वक्त असली जंग के लिए तैयार रहें और उसे जीतने की तैयारी करें। तो क्या इस बयान के उस पार वाकई दुनिया के सामने एक बड़े युद्ध के बादल दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आम तौर पर यही देखा जाता है कि चीन अपनी किसी भी बात को उजागर नहीं करता, जबकि इस बार उसने अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए। युद्ध की आहट, शी का पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हुक्म, चीन की जंग की तैयारी। शी ने बनाया विश्व युद्ध का ब्लूप्रिंट। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और उसकी ताकत की नुमाइश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के सामने करते रहते हैं। चीन का मीडिया भी बार बार ऐसी तस्वीरें दिखाता है जिसमें चीन की सेना की ताकत नजर आए। दुनिया समझ चुकी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी भी सूरत और किसी भी कीमत पर सारे संसार पर अपनी हुकूमत का परचम लहराने को बेताब। मगर चीन की सेना को लेकर शी जिनपिंग की जो खबर सामने आ रही है उसे सुनकर दुनिया चौंक गई है। चीन के राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हुक्म दिया है कि वो किसी भी समय जंग के लिए तैयार रहे। शी का ये फरमान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिका और भारत के साथ चीन का तनाव अपने चरम पर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अपनी सेना से किसी भी वक्त बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहना अपने आप में दुनिया के लिए बहस का मुद्दा बन जाता है। सवाल यही उठता है कि क्या चीन ने वाकई किसी बड़े युद्ध की तरफ जाने का इशारा किया है? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जंग की अपनी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल कर ली है? और क्या वाकई चीन अब दुनिया को किसी बड़े और महायुद्ध के हालात में झोंकने जा रहा है? जहां तक चीन की बात है, दो जगह है जहां पर चीन को अपना कंट्रोल वो करना चाहती है। एक तो है ताइवान। अभी ताइवान के ऊपर युद्ध करना इस समय पर मुझे नहीं लगता है कि चीन के पास इतनी ताकत है, क्योंकि वहाँ पर तो सीधा अमेरिका आ जाएगा। तो दूसरी बात आ जाती है युद्ध हो सकता, वो युद्ध करना चाहेगा भारत के साथ। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इस समय पर जो शी जिनपिंग के जो इशारे हैं वो भारत के ऊपर हैं, और वो अपनी सेना को बता रहा है कि इस युद्ध के लिए आप तैयार हो जाएं। शी जिनपिंग ने कहा कि सेना अपनी युद्ध की तैयारियों को तेज कर। उन्होंने कहा कि सेना को अब असली युद्ध के हालात के लिए ना सिर्फ तैयार रहना चाहिए बल्कि उनकी तैयारी भी उसी तरह की हो। चीन के राष्ट्रपति ने तो अपनी लाल सेना के सामने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए, और चीन की सरकारी मीडिया ने अब शी जिनपिंग के मंसूबों को सेना की तैयारी की झांकी के तौर पर दुनिया भर में फैलाना शुरू भी कर दिया। ये मुझे लगता है कि कभी ना कभी, बेशक इस साल में ना हो, लेकिन कभी ना कभी मुझे लगता है कि भारत और चीन के बीच में हिमालयस के ऊपर युद्ध शुरू हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकता है, लद्दाख में हो सकता है,
या हो सकता है दोनों जगह में हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा, सवाल सिर्फ मुझे लगता है इस समय पर यह है युद्ध कब होगा। युद्ध होना मेरे अपने ख्याल से निश्चित है। चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग यानी CMC यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के साथ साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख शी जिनपिंग ने 2021 के लिए आयोग के पहले आदेश पर दस्तखत किए, जिसके तहत PLA और पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग की जरूरतों और प्राथमिकताओं को तय किया गया है। ये बात गौर करने वाली है कि CMC 20 लाख सैनिकों की सेना का हाईकमान है। CMC की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो कहा और इरादा जाहिर किया, उससे साफ हो गया कि इरादे बेहद खतरनाक हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने CMC की मीटिंग के बाद साफ तौर पर कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अब विश्व स्तरीय सेना का दर्जा दिलाना उनका अगला और फौरी लक्ष्य है। इसी बैठक में शी ने यह भी कहा कि PLA को असली जंग के हालातों से निपटने के लिए अपनी ट्रेनिंग का तौर तरीका बदलना होगा ताकि जंग के हालात में जीत पक्की हो सके। देखिए, जहाँ तक युद्ध की बात होती है भारत और चीन के बीच में, मैं समझता हूँ और ये मेरी अपनी समझ है कि जो की एरिया होगा जहाँ पर जीत हासिल करना ज़रूरी होगा है, वो है एयर वॉरफेयर में, स्पेस वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक या जिसको कहते हैं साइबर वॉरफेयर। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये ज़्यादा करके अहम रखेंगी और उसके बाद जाके इन्फेंट्री आर्टिलरी वगैरह की लड़ाई जमीन के ऊपर चलती रहेगी। चीन के राष्ट्रपति बेशक अपने मुल्क में सबसे ताकतवर नेता हूं और दुनिया के सामने खुद को बेहद ताकतवर होने का एहसास भी करवाते रहते हैं, मगर शी जिनपिंग को इस वक्त एक ही बात खटक रही है कि किसी भी तरह वो एक बार भारत से अपना बदला पूरा कर ले, और इसके लिए शी ने अपनी लाल सेना को करीब करीब खुली छूट भी दे रखी है कि वो लद्दाख में बीच बीच में भारत की सेना को उकसाने वाली हरकत करती रहे। खबर मिली है कि चीन ने तिब्बत के इलाके में LSC के पास ना सिर्फ PLA की एक टुकड़ी तैयार कर ली है बल्कि तोपखाने और लॉन्चर से गोले तक दागे हैं। ये भी एक तरह से भारतीय सेना को उकसाने वाली हरकत कही जा सकती है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने PLA की एक टुकड़ी की तैयारी का एक वीडियो डाला है जिसमें चीन की सेना असली युद्ध जैसे हालात में जूझती दिखाई दे रही है। इस दौरान चीनी सैनिक गोले दाग रहे हैं और दुश्मन के इलाके पर कब्जे का अभ्यास कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश के बीच तिब्बत में भारत से लगती सीमा के बेहद करीब चीन ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। शिगास्ते सैन्य उप कमांड के सैनिकों ने इस अभ्यास को बिल्कुल उसी तरीके से अंजाम दिया जिस तरीके से असली लड़ाई लड़ी जाती है। जानकारों की माने तो समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर दुश्मनों पर कैसे गोलाबारी करनी है और अपने सैनिकों के बीच कैसे तालमेल बिठाना है, ये खास तौर पर सैनिकों को सिखाया गया। यही नहीं, दुश्मन के इलाके में कब्जा की हुई जमीन पर कितनी देर तक रहना है, कैसे उस जगह को अपने काबू में रखना है, इसको खास तौर पर इस अभ्यास में शामिल किया गया। 67 साल के शी जिनपिंग CMC के चेयरमैन भी हैं और माओ त्सो तुंग के बाद चीन के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभरे शी ने CMC की बैठक में मौजूद अपनी सेना के अफसरों को खास तौर पर अपने सैनिकों और कमांडो की ट्रेनिंग को लेकर साफ साफ निर्देश दिए हैं। शी ने PLA के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने और उसे वक्त पर पूरा करने का भी फरमान दिया है। इस मीटिंग में शी जिनपिंग ने साफ जाहिर कर दिया है कि अगले 7 साल यानी 2027 तक चीन की सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना हो जाए। इस दिशा में सेना के अफसरों को काम करना चाहिए। शी ने सेना के अफसरों से कहा है कि उन्हें अब पुराने तौर तरीकों से ट्रेनिंग करने के बजाय नए और आधुनिक तौर तरीकों और नए जमाने में काम आने वाले हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। साथ ही सैनिकों और कमांडो की ट्रेनिंग भी उसी के मुताबिक तय करनी चाहिए ताकि चीन के सैनिक दुनिया भर में मौजूद किसी भी किस्म के हथियारों को चलाने में माहिर हो। चीन की मीडिया में CMC की मीटिंग की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि शी जिनपिंग के इरादे नेक तो नहीं है। कम से कम जंग को लेकर शी जिनपिंग ने कोई बड़ी रणनीति बना रखी है। देखिए, ये युद्ध जहाँ तक भारत और चीन के बीच में, मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई छिड़ पड़ी तो मुझे लगता है ये अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में, ये दोनों जगह पर शुरू हो सकता है।
लेकिन यहीं पर ही कन्फाइंड रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा देश, बेशक पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, इस लड़ाई के बीच में आने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चीन वाकई कोई बड़ी प्लानिंग किए बैठा है। इस बात पर भी किसी को शक की गुंजाइश नहीं हो सकती कि चीन के भीतरी मामलों का इस तरह बाहर आना भी उसकी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। चीन अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है। तभी तो हिंदुस्तान ने चीन को घेरने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक चक्रव्यूह तैयार करना शुरू किया है। भारत की वायुसेना ने भी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए जो तैयारी की है उसने चीन की वायुसेना के भीतर दहशत पैदा कर दी है। देखिए चीन के डर की कहानी बयां करती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत अमेरिका की दोस्ती से चिढ़े शी जिनपिंग को सता रहा है रफाल का डर। चीन की एयरफोर्स दहशत में। फाइटरों को बचाने में जुटा चीन। एलएसी के पास चीन के बड़े हैंगर। भारत और अमेरिका के बीच गाढ़ी होती दोस्ती ने बीजिंग में हड़कंप मचा दिया है। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के बीच मजबूत होते रिश्ते ने चीन के होश फाख्ता कर दिए हैं। विस्तारवाद के रास्ते पर चल रहे शी जिनपिंग को बिजली का करंट लगने लगा है। अमेरिका ने एलएसी पर चल रही तनातनी और चीन की मंशा पर सवाल क्या उठाए, चीन बुरी तरह बौखलाने लगा। अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने अपने विदाई संबोधन में कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच नजदीकी समन्वय महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एलएसी पर आक्रामक चीन की हरकतों का सामना कर रहा है। अमेरिकी राजदूत ने पाकिस्तान और चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहकर इशारा साफ कर दिया कि भारत का एक पड़ोसी आत्मघाती दस्ते के साथ आता है तो दूसरा पड़ोसी जबरन अपने सैनिकों को भारत की सीमा में दाखिल करवाने की कोशिश करता है और दोनों ही सूरतों में हालात बेकाबू होने का खतरा बना रहता है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं -40 डिग्री तापमान में एक दूसरे के सामने डटी हैं। दोनों देशों के बीच अब तक कमांडर स्तर पर 8 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन आगे की बैठकों पर फिलहाल गतिरोध बना हुआ है। भारतीय सेना के सूत्रों की माने तो बातचीत को लेकर दोनों के बीच मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही, इसलिए मीटिंग की तारीख तय नहीं हो पा रही है। इसी बीच एलएसी पर जारी तनाव के मद्देनजर भारतीय सेना और खास तौर पर भारतीय वायुसेना की तैयारियों को देखकर चीन घबरा गया है। Understand what they have done? Yes, they have deployed heavily in terms of support of the army. Army deployments, you are aware, a lot of it has come out already in the media in terms of numbers, and air force in terms of frontier air force they had deployed fully and have a large presence in the second tier. And a large presence of radars and surface-to-air missiles and surface-to-surface missiles in the reconnable area. So their deployment has been very strong. What action we have taken? We have taken every action that we are required to take and cater to such situation and be sure that we will handle it. भारतीय वायुसेना की ताकत से चीन की एयरफोर्स में दहशत साफ देखी जा सकती है। खास तौर पर रफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद से चीन अपने फाइटर विमानों की सुरक्षा को लेकर बेहद डरा हुआ है। यही वजह है कि चीन ने एलएसी के पास के अपने सभी एयरबेस पर नए हैंगर बनाने का काम बहुत तेज कर दिया है, जिसका अंदाजा सैटेलाइट की तस्वीरों से हो जाता है। सूत्रों से पता चला है कि चीन की वायुसेना ने बमों से अपने लड़ाकू विमानों को बचाने के लिए हैंगर की दीवार को 3 मीटर से भी मोटा कर दिया है। हैंगर के दरवाजों को सिंगल पीस स्टील प्लेट से तैयार किया जा रहा है। हैंगरों को इस हिसाब से तैयार किया जा रहा है कि 300 से 500 किलो के बम, क्रूज मिसाइल और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग बम से हैंगर में खड़े फाइटर जेट को नुकसान न हो। चीन को भारतीय वायुसेना की ताकत का अंदाजा 2019 में बालाकोट में किए गए आतंकी कैंप पर हमले से हो गया था, जब भारत ने मिराज 2000 से आतंक के शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसी वजह से चीन अपने लड़ाकू विमानों को पूरी तरह से महफूज बनाने में जुटा है।
खबर है कि चीन ने भारत की वायुसेना से मुकाबला करने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की एयरबेस स्कार्दू को भी तैयार करना शुरू कर दिया है और वहां भी नया रनवे तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिन रात 2400 घंटे एयर ऑपरेशन को हर मौसम में जारी रखने के लिए नया एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम से लैस कर रहा है। इस लाइटिंग सिस्टम के लगने के बाद रात और खराब मौसम में भी चीन अपने लड़ाकू विमानों को हवाई पट्टी पर आसानी से लैंड करा सकता है। फिलहाल LSE पर भारत की स्थिति मजबूत है और चीन के हर एक कार्रवाई पर पैनी नजर है, लेकिन एक बात जरूर उठ रही है कि आखिर यह हद कहां तक जा सकती है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति ने अपने PLA के सामने जो इरादा जाहिर किया है वो तो किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, जहां तक युद्ध की बात होती है भारत और चीन के बीच में, मैं समझता हूं और ये मेरी अपनी समझ है कि जो की एरिया होगा जहां पर जीत हासिल करना ज़रूरी होगा है वो है एयर वॉफे में, स्पेस वॉफे, एयर वॉफे, इलेक्ट्रॉनिक या जिसको कहते हैं साइबर वॉफे। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये ज़्यादा करके अहम रखेंगी और उसके बाद जाके इन्फेंट्री आर्टिलरी वगैरह की लड़ाई ज़मीन के ऊपर चलती रहेगी। साल 2014 में अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में रिटायर होने से पहले जनरल मार्टिन डेम्पसी ने चीन के बारे में एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को जल्द ही चीन का उसी तरह खुलकर सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जैसा शीत युद्ध के समय सोवियत संघ का सामना करना पड़ा था, और करीब 6 साल बाद हालात वहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो मिले तो भारत और अमेरिका के बीच आपसी संबंध उसी दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दी, और यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर शिखर